हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेरीफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के फ़ायदे जानेंगे, इसके नुकसान जानेंगे और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितने दिन इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, डेरीफाइलिन इंजेक्शन आता है जर्मन रेमडिस कंपनी का और इसका MRP होता है 5 रुपये 20 पैसे 2 ml एम्प्यूल का। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला है, इसमें जो सॉल्ट है वो है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन इंजेक्शन। तो चलिए बात करते हैं इसकी उपयोग की, ये किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका मेन काम है सांस से संबंधित रोगों को ठीक करना, जैसे कि दमा, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट में रेशे जम जाने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होना और चेस्ट में घड़घड़ाहट होना, सांस फूलना, जैसे कि थोड़ा बहुत चलने से या फिर काम करने की वजह से या सीढ़ियां चढ़ने की वजह से सांस फूलने लगती है, तो उन लोगों को भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और जिन्हें पुरानी बीमारी होती है दमा अस्थमा की, उनके लिए भी ये इंजेक्शन बहुत बढ़िया रहता है। और नवजात शिशुओं में जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत, उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है, तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सर्दी खांसी जुखाम की वजह से भी जब ये सांस लेने में सांस फूलती है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है रेशे की वजह से, तो तब भी इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स पेशेंट के लिए। और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस इंजेक्शन का उपयोग आप लोगों ने अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये मांस में भी लग जाता है बैक साइड पे और नस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस इंजेक्शन को सिर्फ डॉक्टर्स ही इस्तेमाल करते हैं और अस्पतालों में इसका उपयोग किया जाता है, तो आप अपनी मर्जी से घर पे इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं, जैसे कि इसको लगाने से बेचैनी, घबराहट, पेट दर्द, नींद ना आना, उल्टी आना, ये सब इसके नुकसान हो सकते हैं, तो इसे आप अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।